हाई प्रिंट आज हम बात करने वाले हैं ईसीएस टी10 फ्रांस का आज का जो सेकंड मैच वो मैच नंबर 7 होगा जो खेले जाने वाला है पीजेड वर्सेस पीएक्सआई के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज दोपहर 3 बजे में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। वेन्यू देखें सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें आर्टिफिशियल विकेट है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 100 से 120 के बीच में रहने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लें तो टोटल यहाँ पर अब तक 5 मैच कंप्लीट हुआ है ना, उसमें 2 मैच जीते बैठे टीम ने, 2 मैच में चेंज हुआ है, 1 मैच यहाँ पर नॉट रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें पी जेड की टीम की। तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। तो यहाँ से बात कर लें पी जेड की टीम की। तो यहाँ से आज इस टीम का आना ये फर्स्ट मैच होने वाला है तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है तभी आप अपनी बेहतर टीम यहाँ पर बना पाओगे। तो यहाँ से ओपनिंग करने आ सकते हैं एहसान जावेद और यहाँ से मुदस्सर इकबाल। एहसान जावेद की बात करें टी20 के 10 मैच खेले 221 रन बनाए, 22 का एवरेज है। डोमेस्टिक टी10 के 2 मैच में 63 रन, 31 का एवरेज है। मुदस्सर इकबाल टी20 के 7 मैच में 69 रन, 9 का एवरेज। डोमेस्टिक टी10 के 3 मैच में 54 रन, 18 का एवरेज है। यहाँ पर बैटिंग का स्कोर इनका काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। खुर्रम शहजाद डोमेस्टिक टी10 के यहाँ से 6 मैच के लिए 46 रन, 2022 में टी20 के 2 मैच में 0 रन। नोमन अमजद की बात कर लें यहाँ से इन्होंने ना टी10 के 29 मैच खेले हैं, 327 रन बनाए, 13 का एवरेज, 26 विकेट हैं। 2023 में 19 मैच खेले, 184 रन बनाए, 16 विकेट निकाले हैं। यानी आपको ना बैटिंग थोड़ा एवरेज डाउन है बट बॉलिंग देगा बैटिंग देगा तो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। सुलेमान खान की बात कर लें यहाँ से टी20 के इन्होंने 8 मैच खेले, 126 रन, 10 विकेट हैं। ओडी के 4 मैच में 108 रन, 4 विकेट हैं। यहाँ से अली नुमान की बात कर लें टी20 के 9 मैच में 6 विकेट, ओडी के 2 मैच में 50 रन, 1 विकेट। नवाज उदिल की बात कर लें टी20 के 6 मैच में डिड नॉट बैट हैं। टी20 के U19 के ना 3 मैच के लिए 27 रन इन्होंने बना है। बात कर लें यहाँ से जोनवेज जाहिर की D10 के यहाँ से 2 मैच के लिए 30 रन, 2 विकेट निकाले, 2 ओवर डाल के। एहसान वकास की बात कर लेते हैं टी20 के इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 50 रन बनाए और यहाँ से ओडी के 2 मैच में 13 रन बनाए हैं। यहाँ से बात करें अशरफ मोबासेर की टी20 आई के 2 मैच में 1 विकेट, टी20 के यहाँ से 9 मैच में 39 रन, 13 विकेट। अफजल गुज्जर की बात करें टी20 के 10 मैच में 24 रन, 22 विकेट हैं। यानी आपको बैटिंग तो बिल्कुल कम देगा बट बॉलिंग का एवरेज काफ़ी सुपर है। ओडी के 2 मैच खेले थे, 13 रन बनाए, 1 विकेट इन्होंने निकाला है। बात कर लें बेंच में से तो बेंच में से भी रिकॉर्ड देखना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि ना फर्स्ट मैच होगा तो काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस देखने को मिलते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना तो आप बेहतर टीम बना पाओगे। बात कर लें यहाँ से इमरान अहमद की टी20 के 9 मैच में 205 रन, 2 विकेट। ओडी के 2 मैच में 80 रन, 0 विकेट। के यहाँ से कुरेश रिजाउल्लाह की बात कर लें डोमेस्टिक टी10 के 2 मैच में 0 विकेट हैं। ज़्यादा से टी10 के 7 मैच में 151 रन, 3 विकेट, 3 ओवर डाल के। खिल उकमरहमान की बात कर लें टी20 के 7 मैच में 8 विकेट। सोन रणतुंगा टी20 के 10 मैच में 9 विकेट हैं, 35 ओवर डाल के। सुखदीप सिंह टी20 के 1 मैच में डिड नॉट बैट हैं। तनवीर इकबाल टी20 के 4 मैच के लिए 8 रन, 3 विकेट निकाले, 13 ओवर डाल के। 2021 में 5 मैच में 4 विकेट निकाले। अली रज्जाक की बात कर लें टी20 के 6 मैच में 4 विकेट। रजा हसन टी20 के 1 मैच में 6 रन है, 2022 में 7 मैच में 349 रन, 5 विकेट इनके नाम है। उस्मान जफर टी20 के 6 मैच में 138 रन, 9 विकेट। खिल जाहिदुल्ला टी20 के 6 मैच में 6 विकेट। किशन पटेल टी20 के 6 मैच के लिए 37 रन, 7 का एवरेज, 1 विकेट है। यानी ना बैटिंग बॉलिंग दोनों करने वाला है। कमल पटेल टी20 के 6 मैच इन्होंने खेले हैं, 93 रन बनाए, 5 विकेट निकाले हैं। काफिल यहाँ से काफिल अहमदजई की बात कर लें टी20 के इन्होंने 1 मैच खेला, रेड नॉट बैट हैं। U19 टी20 के 4 मैच में 68 रन, 34 का एवरेज, 1 विकेट है। बाकी खिलाड़ियों के स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, अगर इनमें से कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग और स्टार्टिंग को डालेंगे यहाँ से अली नोमान, यहाँ से नुमान अमजद। डेथ को डालेंगे यहाँ से एक गुज्जर, यहाँ से अशरफ मुबासिर। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए मदद रहने वाले हैं। बात करें दूसरी टीम PXI की, तो यहाँ से देख सकते हो ओपनिंग करने आ सकते हैं लिंगेश्वरन और जुबेद अहमद। तो टीम की आगे बात करने से पहले
छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ना इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, हर खिलाड़ी के स्टेट्स काफ़ी अच्छे से ढूंढे हैं, आपको दिए हैं, तो आपको वीडियो को ना एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ के ना काफ़ी अच्छा लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम से जाके ज्वाइन हो जाना है। बात करें लिंगेश्वरम की, टी10 के 29 मैच के लिए 331 रन 12 का एवरेज है, 2023-19 मैच में 241 रन 14 का एवरेज है। जुबेद अहमद टी10 के 8 मैच के लिए 113 रन 1 विकेट, टी20 के 9 मैच में 49 रन। जैन अहमद की तरफ आ जाते हैं, टी10 के 29 मैच के लिए 385 रन 9 विकेट हैं, 2023 में 19 मैच के लिए 289 रन 1 विकेट। अरुण रावत टी20 के 1 मैच में 1 विकेट इनके नाम है। बात कर लें यहाँ से प्रभो बोलेन की, टी20 के 1 मैच में नॉट बैट हैं, 2022 में 10 मैच में 33 रन 1 विकेट हैं। दाऊद अहमदजई टी10 के 24 मैच के लिए 106 रन बनाए, 19 विकेट निकाले हैं, 2023 में 14 मैच के लिए 50 रन 14 विकेट हैं। यहाँ पर आपको ना ये बैटिंग बॉलिंग दोनों देने वाला है। बात करें यहाँ से रहमत मुल्ला मंगल की, टी10 के 24 मैच के लिए 57 रन 27 विकेट हैं, 2023 में 14 मैच में 11 विकेट हैं। टी20 के 8 मैच के लिए 88 रन 6 विकेट हैं, बैटिंग का स्कोर थोड़ा डाउन है बट बॉलिंग आपको काफ़ी अच्छी देने वाला है। नए में दाऊद जाई की बात कर रहे हैं, टी20 के 1 मैच में 1 विकेट, 2022 में 2 मैच में 2 विकेट हैं। अब्दुल जबरकिल टी10 के 7 मैच के लिए 11 रन, टी20 के 1 मैच में 2 रन है। यहाँ से आते हैं रोहुल्ला मंगल की तरफ, टी10 के इन्होंने 25 मैच के लिए 22 रन 28 विकेट हैं, 2023 में 15 मैच में 16 विकेट हैं 26 ओवर डाल के, टी20 के 8 मैच में 97 रन 5 विकेट हैं। बैटिंग का स्कोर इनका भी काफ़ी डाउन है बट आपको बॉलिंग अच्छी देगा प्लस बैटिंग भी कर लेगा। हसनैन अफजल की बात कर रहे हैं, टी20 के 1 मैच में 0 विकेट हैं। बात कर लें बेंच की, तो बेंच में जैसे यहाँ से ना सज्जाद आ जाते हैं, टी20 के 1 मैच खेला 23 रन 0 विकेट हैं। अहमदुल्ला की बात कर लें, टी20 के इन्होंने 3 मैच के लिए 2 विकेट, 2022 में 1 मैच में 1 विकेट इनके नाम है। जमशेद नसीर टी20 के 4 मैच में 91 रन 8 विकेट, 2022 में 5 मैच में 5 विकेट। जहीर जहरी की बात कर लें, टी20 के 4 मैच में 18 रन 2 विकेट 14 वडाल के, 2022 में 6 मैच में 9 विकेट हैं। बात कर लें बेंच यहाँ से बाकी खिलाड़ियों के, तीन के स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, अगर इनमें से कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग, और स्टार्टिंग को डाला जाएंगे यहाँ से रहमतुल्ला मंगल, जैन अहमद, डेथ को डाला जाएंगे यहाँ से मंगल, यहाँ से दाऊद अहमदजई। जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए मंडन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपका अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम ना लेते चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में आप अपने विकेट सेक्शन से कहने वालों एल कैंसल को यहाँ से, जेड अहमद, ए रमन, आई जावेद, एस बॉलिंग यहाँ से, ऑलराउंडर सेक्शन से एस खान को, बॉलिंग सेक्शन से मैं ज़्यादा प्ले करने वाला हूँ एन अमजद, आर मुगल, ए गुज्जर, यहाँ से डी अहमदजई को, ए मुवसर को, आर मुगल को, कैप्टन करूँगा यहाँ से जेड अहमद को, वाइस कैप्टन करूँगा एस खान को, बट ये मेरी फाइनल टीम ना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम में आपको बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक को प्यारा सा कमेंट जैसे सपोर्ट आप हमारे चैनल बनाए रखेंगे। फ्रेंड धन्यवाद आपको हमारी वीडियो देखने के लिए।